कल जो रैली थी विक्रम में वहाँ गठबंधन की, आपके मिश्रा जी थी, राहुल गांधी थे, प्रताप जी थे, उन्होंने बोला कि मुझे बोलने नहीं दिया गया कुछ करके। क्या उन्होंने बोला मुझे बोलने नहीं दिया गया वहाँ? नहीं, सब लोगों का तो लिस्ट वगैरह रहता है, बोलने वोलने का रहता है। अब ये तो हमको जानकारी में नहीं है, हमको अगर मेरे से अगर बात हुई होती तो बोलने में क्या मौका है। कई मंचों पर उन्होंने साथ बोला है, मेरे साथ जितने मंच उन्होंने साझा किए हैं हर मंचों पर उन्होंने बोलने का काम किया है। समय सीमा भी होती है लोगों का, और समय सीमा के अंदर जो है आपको, क्योंकि रोड शो भी करना होता है, तो हो सकता है उस वजह से नहीं। देखिए आज आखिरी दिन है, चुनाव खत्म होने को है, और हमारे पलटू चाचा ने अब तक घोषणा पत्र जो है जारी नहीं किया, क्या कारण है। और एक बार भी उन्होंने कैमरे में आकर के सफाई और आप जानते होंगे कि लगातार जो है 6 चरण का चुनाव खत्म हो गया, 7वें चरण का खत्म होने जा रहा है, और भारी बहुमत से जो है महागठबंधन जो है सरकार बनाने जा रही है मजबूती के साथ बिहार से भाजपा और एनडीए का। नीतीश कुमार जी की जो बॉडी लैंग्वेज है आज मायूस चल रहा है, रामविलास जी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार एक मंच पे भी होते हैं तो 100-200 लोग ही जुट पा रहे हैं, ये स्थिति है। तो नीतीश कुमार जी को और बीजेपी के लोगों को बिहार की जनता जो है इस बार सबक सिखाने, महागठबंधन को कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? एक सवाल बनता है, जिस तरह से कमल हसन ने नाथूराम गोडसे को बोला उसके सभा में अंडे चले, पत्थर चले, कैसे देखते हैं? कमल हसन ने जिस तरह से नाथूराम गोडसे को लेकर कुछ बातें करी, नाथूराम जी के बारे में क्या कहा? ठीक।